बैक टू माई चैनल। आज मैं सवेरे जल्दी उठ गई हूँ और क्योंकि मुझे भी नहाना है, रेडी होना है और हमने जाना है मंदिर, बिकॉज आज है महाशिवरात्रि। सो आप सबको पहले मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। और शिवम अभी तक सो रहे हैं और इन्होंने आज जिम जाना था और इन्होंने जिम भी कैंसिल कर दिया, इतने आज भी है। तो मैं पहले जाके फटाफट नहा लेती हूँ क्योंकि लेट हो रही हूँ। सो मैं नहा के मंदिर जाकर आ चुकी हूँ। फटाफट गए थे, फटाफट जा गए क्योंकि जल्दी जाना था, क्योंकि लेट होते तो मंदिर में भीड़ हो जाती, इसलिए हम जल्दी जाकर जल्दी आ गए मैं और मम्मी। और रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं क्योंकि होने नहीं थी उधर, और शिवम अभी तक सोए हुए हैं। मैंने नहा लिया, मंदिर भी जाए, पूजा भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब नाश्ता तैयार करना है बस, और ये अभी तक सोए रहे हैं। तो अभी हम लोग फटाफट में रेडी होके, और प्रिया दीदी भी आ गए थे अपने घर से, तो अभी हम सारे जा रहे हैं किसी काम से बाहर। तो मैं आपको बताऊंगी हम किस काम से बाहर जा रहे हैं, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, आगे आगे देखना कि हम किसके पास जा रहे हैं। तो ये सारी हो रखी है महाशिवरात्रि की तैयारियाँ। आई थिंक लंगर भी लगेगा यहाँ पे। इस रोड में लगता पूरी महाशिवरात्रि की रैली निकली है, महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ सबको। लोग ना भांग भर के लेके जा रहे हैं। तो हमें गाड़ी लगाने में इतनी दिक्कत होती है, गाड़ी की पार्किंग ही कहीं नहीं मिलती। अब हमने यहाँ पे इतनी दूर लगाई है पार्किंग, जहाँ जाना है वहाँ से। तो चलते फटाफट, गर्मियाँ कितनी जल्दी शुरू होने वाली है। 28 को तो अभी तो बर्फ पड़ रही है ना, कहाँ यहाँ पे। नहीं मतलब कल तक मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मतलब गर्मी आ गई। हाँ आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये सभी हमारे डीएमसी के डॉक्टर्स की कोठी सारी। शिवम लग रहे हैं बटरफ्लाई, देखो कितने कलरफुल बटरफ्लाई हैं। उसके आगे आरव और ये दीदी, हम सब जा रहे हैं कहीं तो जा रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। हम आके बैठे हैं कहीं पे खाने पीने। हाँ तो अभी शिवम हमें दे रहे शिवरात्रि की पार्टी, पता नहीं क्या खिलाएंगे, देखो क्या लेना है। इधर हो रहा है दीदी का फोटो शूट, क्या बात है। और फोटो को खींच रहे इनका प्रिय पुत्र। तो हमारा ऑर्डर आ गया है, मैम ने मंगाया ब्राउन ब्लास्ट, व्हाट इज दिस शेक, ब्राउनी ब्लास्ट शेक एंड पास्ता सैंडविच। इन्होंने शुरू भी कर दिया। और मुझे खाना खाने के बाद याद आता है व्लॉग करने का, मैं भूल ही जाती हूँ, खाते खाते व्लॉग भी हो जाएगा। फोकस परमात्मा तुहानू तंदुरुस्ती अते लंबी उम्र बख्शे। नीचे जो पढ़ा इंग्लिश में, बाकी सारा आप खुद पढ़ लेना गाइस। आता है मुझे पढ़ने पर आँखों में धूप पड़ रही है। सो हमारी पेट पूजा हो गई है, खा पी के अब हम आगे निकल रहे हैं क्योंकि अब आगे थोड़ा काम है हमें, तो आगे जाते हैं। जिसको मिलना हमें शायद वो भी हमें आगे ही मिलेंगे, तो फटाफट चलते हैं। और यार गाड़ी इतनी दूर खड़ी की है ना, चलते चलते हमारा खाना भी हज़म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज है, चुप रही है। सो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता किसी के पास, तो हम कुछ लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या ले रहे हैं। दीदी देख रहे हैं क्या लेंगे, क्या लेना। ओके अरे देखो कुछ चाहिए तो देख ले, हैं मार ले दो चार हाथ, तू भी लगे हाथ ले ले सामान अपने लिए। आए है जब ले लेगा तब छोड़ेगा नहीं फिर। अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, मैं ये सोच रही हूँ अब आगे जाके कितनी ज़्यादा होगी, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा यार, बहुत गर्मी लग रही है। मेरे दिन बाद 31 डिग्री होगा, पता नहीं, पर बहुत गर्मी लग रही है। अभी तो मार्च है, मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ओ माय गॉड गर्मियाँ, ठंडियाँ ही अच्छी थी, विंटर्स अच्छे होते हैं। नहीं गर्मी नहीं, बहुत गंदी लगती है मुझे गर्मी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सपीरियंस, और ये MBCCCP मर्ड जो पता नहीं क्या है, इसकी ट्रांजेक्शन हमें आई नहीं रही करने। तो कौन सा लेना है। और हाँ हमारे साथ जो गेस्ट थे वो है परना देविया। तो हम आज करवाएंगे इनको आइसक्रीम टेस्ट। करो करो दीदी, आपने कौन सी लेनी है, मिक्स नहीं करानी, बटरस्कॉच। मेरे को तो पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। बस मैं जो मर्जी ले लूँगी, आप लोग देखो। अब अपना लगता है सारे टेस्ट करके जाएगी पहले। सो ये तीसरा फ्लेवर जो ये टेस्ट कर रही है,
आपने कुछ करना फिर इनमें से डिसाइड करेंगे ना कौन सा लेना है। कौन सा देंगे? तो इधर भी है तो यहाँ पे भी टेस्ट करने आ रहे हैं। कौन सा लेना है? ले लो यार। कब से फ्लेवर डिसाइड कर रहे हैं और इनका फ्लेवर डिसाइड नहीं हो रहा अभी तक। हुआ कुछ डिसाइड? मुझे लगता है बनाने सारे आज फ्लेवर टेस्ट करने हैं। डच चॉकलेट ले लूँ, इसमें कुछ मिक्स मुक्स कराना है। हैं? एक ओनली बबल गम, अकेला? तो ये एक बबल गम ले रहे हैं। कैसी लगी आपको यहाँ की आइसक्रीम? अच्छी है ना, हम बेस्ट जगह लाते हैं आपको हमेशा। है ना, यहाँ पे आंटी हम बचपन से आ रहे हैं। हाँ। घर के पास भी और बचपन से आ रहे हैं। तो ये आगे नेक्स्ट अपना है। ओके, दिस इज अपना आइसक्रीम। इन सबके तो आ गई आइसक्रीम, सबकी आ गई। बस बचे कौन? मैं और मेरे हस्बैंड। क्योंकि हम अपना स्पेशल बनवाएंगे। कौन सी ले रही है आप? देखते हैं कौन सी आ रही है। मेरे को ना पता नहीं बटर स्कॉच बहुत पसंद है, बट मैं बटर स्कॉच नहीं खाऊंगी क्योंकि हमेशा बटर स्कॉच ही खाती हूँ मैं। तो ये आ गई मेरी आइसक्रीम, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर है क्योंकि मैंने अपने आइसक्रीम खुद नहीं बनाई, ये बनवाई है शिवम ने। तो आई थिंक शिवम की भी आ रही है। और ये लोग लड़ रहे हैं पेमेंट के पीछे। मतलब मैं अपना के सामने इतनी मोटी लग रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है। ये स्लिम सी कितनी अच्छी लगती है यार। मैं वही कह रही हूँ, मैं कह रहा मुझे भी जल्दी से पतली होना है, फिर मैं भी अच्छी अच्छी फ़ोटो शूट करवाऊँगी। तब हम लोग खा पी के यहाँ से निकल रहे हैं। तो अपना को भी हम छोड़ देंगे DMC क्योंकि उन्होंने अपना का चेकअप करवाना है, और बाकी हम देखते हैं घर जाएंगे वापस। चलें ही, दिक्कत पार्किंग की, जाना था होता है हमें पसंद, और गाड़ी खड़ी है वो इतनी दूर पार्किंग में। मगर चलते चलते खाया पिया सब हजम हो ही जाता है हमें। अच्छे लगे ना पर ना हमारे लुधियाना के लोग? लुधियाना आके अच्छा लगा? चलो अच्छी बात है, हम भी कभी जाएंगे घूमने तो मिलेंगे, पर पता नहीं कब जाएंगे। पोलू के साथ जाएंगे। हाँ, हमने ना हमारे बेबी का नाम भी रख दिया पोलू। हम पोलू कहते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग फटाफट अपना का चेकअप करा लेते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि कब तक नंबर आएगा परना का, तो वो भी वहाँ पर है, वेट कर रही है बेचारी। मेरा फ़ोन गिरते गिरते बचा, फ़ोन में क्या गिरते गिरते बचा मेरे हाथ से, फिसल गया क्योंकि पसीना आ रहा है। बस तो अभी आज कमेंट में बताएंगे कि आरफ कैसा लग रहा है। कैसी लग रही है? परना का बैग बहुत क्यूट है, मुझे बहुत प्यारा लगा परना का बैग। मैं भी सेम ऐसा बैग लूँगी, ठीक है? तेरे आने ही नहीं। ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो मुझे अपना का बैग बहुत क्यूट लगा, कहते तेरे आना ही नहीं, फंसना ही नहीं तेरे। आपके इतना सा लगेगा? ज्यादा छोटा हो। इनका कहने का मतलब है मैं बहुत मोटी हूँ, मेरे आना नहीं। आपके इतना छोटा लगेगा बैग? नहीं जी, इतना ही। मैं तो बोलूं मैं हो जाऊंगी स्लिम। सब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एक तो यार पर पीछे तो शोर बहुत आ रहा है ना। तो यहाँ पे अब हम सब लोग जा रहे हैं और बाय बाय करेंगे, और ये सेल्फी है। बाय बाय, बहुत अच्छा लगा मिलके। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase. तो यार हम लोगों ने ना इतना बाहर खाना खा लिया कि हमारा टम्मी फुल है, पर घर पे मम्मी ने स्पेशल बनाया हुआ। हम खा के आए हैं। हाँ, के आए हैं। पर हम देखो मम्मी ने हमारे लिए बनाया है खाना पीना। एक मिनट, आज इतने DJ आज ही बजाएंगे सब लोग। तो हाँ, मम्मी ने घर पे खाना बनाया, हमने घर जाके खाना खाना है, ठीक है? और आपने भी। हाँ,
क्योंकि देखो मम्मी का हमने दिल नहीं तोड़ना हाँ। चाहे हमारा पेट फुल है पर आरव तूने भी खाना नहीं खाया हाँ। तेरे को जूते पड़ जाने अब आरव को समझा के जा रहे हैं आरव प्लीज चाहे एक रोटी खानी है पर खानी जरूर है वरना शक हो जाएगा शक तो क्या होना पर मम्मी ने इतने प्यार से बनाते है ना फिर यार हमारा भी तो छोले पूड़ी बनाए उन्होंने दिल टूट गया ना तो हम लोग खाएंगे जरूर खाएंगे जो भी हो पेट फटने वाला हो पर हम खाना जरूर खाएंगे और किसी ने भी मना नहीं करना जाऊं मैं हाँ मुट्टे मेरा तो टेढ़े देख के मेरे को इन्होंने जल्दी दे भी देना है तो हम लोग घर पहुंच गए फटाफट अंदर जाते हैं और अंदर जाके मेरी मम्मी जी को देखते हैं कि गुस्सा तो नहीं है क्योंकि हम उन्हें अकेला छोड़ के चल जाते हैं ना ड्रामा करेंगे स्टार्ट ड्रामा इन द सेंस हमें बहुत भूख लगी है बोलेंगे चलो ये देखो मम्मी जी गुस्सा हो हमसे ये मॉडल साहब मॉडल उश रोटी 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 आज सब रोटी मांग रहे हैं आपसे इनका नाम है मॉडल उश जो आराम कर रहे थे हमने डिस्टर्ब कर दिया और ये बैठा हमारा बेटा सबने फिनिश करना है ना और किसी ने भी खाना जूठा नहीं छोड़ना सबको बहुत भूख लग रही है बहुत ज्यादा नहीं 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 हो जाएंगे ये भी बहुत ज्यादा है आली ने लाद टपक रही है आर वही कह रहा कहता मैं तो घर जाके छोले खाने घर आके थोड़ी देर आराम भी कर लिया मैंने और शिवम मंदिर गए थे वो मंदिर जाकर आ गए बाकी मम्मी बाहर सैर कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ मैं करूँ कि ना करूँ क्योंकि मेरा भी करने का मन नहीं कर रहा और बाकी देखते हैं शायद हम अभी जाएं कहीं बाहर सोच तो रहे हैं जाने को बाकी देखो क्या प्लान बनता है जो शिवम बोलेंगे पहले मैं सोच रही थी कि मैं वॉक ना करूं फिर मेरा एकदम से मन बन गया मैंने सोचा चलो मैं वॉक कर ही लेती हूँ और मेरे साथ साथ मैंने शिवम को भी वॉक करने लगा दिया ये मेरे साथ साथ वॉक करेंगे और मैं बस यहाँ पे राउंड लगाती हूँ इस गली में कितने मैक्सिमम 5 राउंड में लगा लेती हूँ 5 मैंने लगा लिए होंगे अभी तक तो और अभी पता नहीं कितने लग रहे हैं और ये देखो आरव ना अपनी मम्मी की एक्टिवा लेके घूम रहा था अब निकाल के दिए अंदर कर रहा हूँ उठ के किससे लगी गए दीदी फोन पे बात कर रहे है आरव गया है फोन छीनने दीदी कर रहे कुछ जरूरी बात अब पड़ेगी आरव को डांट क्या कर रहे तेरे मम्मी मुझे लगता है फोन में भजन सुन रहे तो कैमरे के अंदर क्यों घुस रहा है फिर दूर रहे और वो देखो जॉर्डन अरे मैं ना फिसल सकती हूँ पता बंगाल मैंने नहीं बुलाया देख लो मैं अभी यहाँ से ना ये देखो पानी है ना यहाँ पे मैं स्लिप होने वाली थी तो पानी में क्यों है मैं क्यों आई हूँ क्योंकि ये मेरे से फोन छीन रहा था मैं पीछे हुई और जब मैं पीछे हुई तो मेरा पैर यहाँ से ऐसे हुआ स्लिप तो देख लेते बट अब थक चुके हैं सारे तो हम लोग घर पे क्या बनाने लगे हैं नूडल्स जो आते तो है नहीं बनाने इनको बट फिर भी चलो कोशिश करते हैं बनाने की तब तक मैं कैप्सिकम है जो शिमला मिर्च इसको काट लेती हूँ अच्छे से लंबे लंबे मेरी बात सुनो आप ना अपने यहाँ तो कपड़े भी चेंज कर लो क्योंकि ना इतने धो ही नहीं जाते ज़्यादा गंदे रहते तो ठीक है इसमें हमने गार्लिक चॉप कर लिए थे अनियन और सॉरी अनियन नहीं यार आप पागल हो ये कैप्सिकम एंड चिली अनियन वो रहे और नूडल्स हो गए बॉयल इसको सारा मिक्स कर इधर रख दो इसमें क्योंकि इकट्ठे ही लगाएंगे ना तड़का वो भी ले आओ हाँ ये हमारे अनियन है और हम नूडल बना रहे हैं और हम नूडल बना रहे हैं
और आज अपना से मिलके कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी, मुझे बढ़िया लगा। हाँ आरव तो बहुत बड़ा फैन है उसका, आरव ही नहीं हम सब, क्योंकि उसका नेचर इतना अच्छा है ना, इतना स्वीट है ना, मजा आता है, मतलब एकदम फैमिली वाइब्स आती है। ये मेरी नकल कर रहा है, ये कहाँ से आ गए, क्या बात है, एकदम से सरप्राइज दिया आपने हमें भैया। आज आकर फिर क्या हुआ, तभी तो कैसा लग रहा फिर हमारे पास आके, अच्छा लगा। यहाँ पेपर टेस्ट शुरू हो गया बनाने का, क्या बात है। आपको कुकिंग का कितना शौक है ना? मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है, और चिमनी की वजह से भी पता नहीं आवाज नहीं आएगी अच्छे से। जब पूरा बनेगा ना फिर दिखाते हैं, ठीक है? कच्चा नूडल्स के ऊपर डालो। यार मिर्ची नहीं डालते, पता क्या सोया सॉस डालते हैं, वो तो काली मिर्च डालते हैं साथ में। हाँ सही कहा, रेड चिली नहीं डालते, चिली सॉस पाते हैं। ये अपने तरीके से बना रहे हैं, हमारी बात मान नहीं रहे, ये पंजाबी तड़का लगा रहे हैं इन्होंने नूडल में लगा दिया पूरा पंजाबी तड़का, अभी ऊपर से गार्लिक, क्या बात है, बड़ा शानदार बना रहे हैं। तो पूरे फूड व्लॉगर बन गए हम लोग, कुकिंग भी कर लेते हैं, व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, पर ना मुझे नूडल कम हलवा ज्यादा लग रहा है यार, घर पे ना हमें सही नहीं बनते दीदी, ये ना गला भी दिए आपने ज्यादा, आप अपनी गलती भी थोड़ी ना मानोगे, आपने कहना ना मैं तो बहुत अच्छा हूँ कुक, कुकर तो बहुत अच्छे कुक समझो, बच्चा बच्चा बन के रह। आरव को तो बहुत डांट पड़ती रहती है बेचारा, फिर भी यहीं पर ही खड़ा है, इसको इतनी डांट पड़ती है। कैसा है टेस्ट? टेस्ट अच्छा होना चाहिए, चाहे शक्ल अच्छी हो ना हो, ठीक है। देखो हमारे नूडल्स, आपको ये नूडल्स लग रहे हैं या हलवा लग रहा है बताओ? शेफ शिवा को गुस्सा आ जाएगा अगर इनके किसी ने बेइज्जती की तो, इनके नूडल्स की, पर दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, ठीक ही लग रहे हैं, खा के पता चलेगा टेस्ट कैसा है, तो टेस्ट करके बताएंगे हम। तो यहाँ पे हो रही है प्लेटें तैयार सबकी, तीन चौथी प्लेट, लास्ट फिफ्थ प्लेट, हम पांच लोग हैं, पांच प्लेटें तैयार। आ जाओ 50 रुपये प्लेट, 50 रुपये प्लेट, बढ़िया छोटू जल्दी 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 थोड़ी देर में देखना जंग होगी प्लेट के लिए, भाई मेरे को जो बचेगा वो दे देना, मेरे को कोई वो नहीं है दिक्कत, ठीक है। मिली है ये प्लेट और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी प्लेट से, जितना है उतना में खुश रहो, तो ज्यादा की उम्मीद मत रखो और इंजॉय करो अपने नूडल्स।